आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजील हैं, बहुत सारे लोग नामर्द हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सो इज्जत खोर हैं। तो मैं उस लोगों की बात नहीं करता, लेकिन 99% लोग जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मान पूर्वक जीने की, जो रक्षाबंधन जिस दिन बांधता उसी दिन बहन की का इज्जत की रक्षा का वो ये क्या कहिएगा, वो शपथ लेता है कि बहन पर कोई भी आफत है, परिवार पर कोई भी आफत है, तो यदि नेचुरल रिलेशन यदि होगा बहन और भाई के बीच में, तो जरूर वो जो है प्यार मोहब्बत इसको लोग कहते हैं। तो वो कहता है कि तू इनकलाब के आने का इंतजार न कर, अगर हो सके तो अभी से इनकलाब कर। तो यदि वहाँ पर वो इंतजार नहीं करेगा, वो उस टाइम में इनकलाब कर देगा, जो इस केस में भी इनकलाब हो गया है। इनकलाब उसको कुदाली से नहीं काटा गया, उसको गोली नहीं मारा गया, उसको मर गया, कैसे गया, चोट लगी, हदस गया, डर गया, आत्महत्या कर लिया, बहुत सारा कारण हो सकता है मौत का। मौत का तो यही नहीं कारण हो सकता कि कोई ऐसे भी मर जाए। संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर कहीं झूठ, ये झूठ नहीं बोला है, तर्क दिया जाता है। मैं बता दूँ, जो आप देख रहे हैं ना मौत, तो एक होता है मानव बध, पहला कैटेगरी, दूसरा होता है सदोष मानव बध, तीसरा होता है हत्या, और चौथा होता है हत्या हो के भी हत्या के श्रेणी में। इसी धाराएं कानून में लिखी गई हैं, और सारी जरूरी नहीं है कि जो मर्डर होता है वो हत्या का रूप ही होता है, हत्या का रूप नहीं होता है। अगर कानून के धाराएं से देखा जाए तो, सर आज हमारे बीच में है जो कि आरती के पिता के वकील हैं, और हम हैं पटना हाई कोर्ट में। शिवनंदन भारती जी बहुत एक अच्छे वकील हैं और अच्छे समाज के वक्ता भी हैं, और समाज की बुराइयों कुनीतियों पे हमेशा फोकस करते रहे और आए दिन चर्चा में भी रहते हैं। स्वागत है यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से देखा जाए समाज को आप जैसे लोग ही बदल पाएंगे, जिन कृतियों से गुजर रहा है आज, जिस तरह से आरती और छोटी के मामला आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामला है हमारे समाज को क्या एक अलग अंदाज में जो होता है कि लोग कहते हैं ना कि इससे देख के हमें सीख मिलती है, क्या सीख मिलती होगी? देखिए, सबसे पहले तो विशेष तौर पर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने समाज को बहुत ही संवेदनशील मामला को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आपने पूछा। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी घटना का, देखिए बेल होना, जेल होना, सजा होना, ये एक अलग पक्ष है, सजा हो जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समाज पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, इसका भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, और एक जिम्मेदार वकील होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है। मेरा ध्येय यही है, मैं कह रहा हूँ कि सजा हो जाए, फांसी हो जाए, ये एक अलग पहलू है, लेकिन समाज को कम से कम बचाओ कि ऐसा ना हो कि बच्चे नादानी बस ये समझ जाए कि रात को दरवाजा खोलना उसका कानूनी अधिकार है। जी, इस पूरे प्रकरण को में जो घटनाएं हो रही है, माँ बाप जो है सो डरे हुए हैं। जी, हमको अनेकों कॉल आए हैं जो कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो ये तो अधिकार स्वरूप बच्चे समझ जाएंगे कि रात में दरवाजा हम खोलेंगे और हमारे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने का अधिकार हमारा है। और इस चीज में बढ़ावा देने में आरती के पिताजी का, जो सॉरी जो छोटू के जो पिताजी हैं, उनका जो भूमिका है, अरे आप बच्चे को कहिए आप लोग मित्र थे, ये दुर्घटना बस घटना हो गई ना, उसमें आरती के पिताजी से पूछ के थोड़े वो बुलाई होगी कि पापा हम बुला रहे हैं आप, कोई नहीं बुलाता है, कोई भी नहीं, सामान्य प्रकृति का लोग, वो कोई जातीय दुश्मनी नहीं इसमें, तो उनका इज्जत गया, मान गया, सम्मान गया, जेल चले गए, तो क्यों वो करेंगे। तो ये समाज को ठीक है, उनका बहुत लोगों का ये पक्ष है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मौत किसी का भी इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए। कानून और संविधान में वर्णित है सर, चूंकि भारत मेरा संविधान से चलता, और आप जिस तरह से वकालत करते हैं, जिस तरह से आप कहीं ना कहीं वो करते हैं, तो संविधान के तहत ही करते होंगे, बेशक सर। तो क्या लगता है सर कि ऑन द स्पॉट किसी को मार देना चाहिए? नहीं, आपको बता दें, हमारे कानून में जो परिस्थिति ये उत्पन्न हुई है जी, ऐसे ये कोई पहली घटना नहीं है जी, अनेकों उदाहरण इतिहास में। 1860 में हमारे यहाँ कानून IPC आया जी, जिसको लॉर्ड मैकेले जो थे उन्होंने लिखा, जो लॉ कमीशन के ड्राफ्ट में था, जो ये था, तो इसमें जब हमारा बना तो ऐसे परिस्थिति के लिए बोला कि मान लीजिए अचानक किसी के घर में यदि रात में कोई घुसता है और ज़बरदस्ती घुसता है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, तो बोलता है उसकी प्रतीक्षा मत करो, अपने आप को बचाने के लिए यदि किसी की जान भी लेना पड़े तो तुम ले सकते हो, या IPC ही उसको निहित करता है। मैं सेक्शन आपको बता रहा हूँ, 96 से लेके 106 तक पढ़िएगा, तो वो डिफेंस है, बोलता है कि नथिंग। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अभी आप छोटू को भूल जाइए,
रात को मेरे घर में कोई डकैत को हम देखे कि हम तो नहीं जाने डकैत है कि जो कि दीवार को कूद कर हथियार के साथ मेरे घर में कूद आ रहा है, तो हमको लगेगा भले ही आ रहा है वो किस किस पर्पज से मालूम नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई बंदूक लेके आ रहा है, क्या पता ही घर में डकैती कर, तो क्या हमको आने का दे ताला तोड़ने दे कि हम उसी टाइम में शूट कर देंगे, हमको लगा घर में घुस जाएगा तो हमको मार देगा, तो उससे पहले हम उसको मार देंगे। यह तो ऐसे परिस्थिति के लिए बोला कि नथिंग इज एन ऑफेंस, यदि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी की हत्या भी कर देते हैं तो कानून के दृष्टि में वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। जो भी धाराएं लगी होगी उस धाराएं के तहत कातिल आज जेल में बंद है सर? देखिए जेल आरोप में है, अभी वो अभियुक्त है, अभी वो अपराधी नहीं है। अभियुक्त और अपराधी दो अलग चीज है। अभियुक्त है कि इल्जाम लगा जी, और अपराधी है कि जब कोर्ट में साबित हो गया, कोर्ट ने कहा कि तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरती के पिता इस जुर्म में जो है तो दफा 302 के तहत वो दोषी पाए गए और उनको सजा, तब कहेंगे कि अपराधी हो गए। अगर देखा जाए सर, आप ना वकील हैं ना हम पत्रकार हैं ना कोई जज है, एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए आपके बहन के साथ चाहे मेरे बहन के साथ, अगर एक नॉर्मल अगर देखा जाए आप कोई भी आपत्तिजनक में देखता है उस वक्त आप क्या करेंगे? आप वकील नहीं है इस वक्त, कोई भी आदमी ये मैं हूँ या कोई हो नेचुरल जो एक देखिए समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजील हैं, बहुत सारे लोग नामर्द हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सो इज्जत खोर हैं, तो मैं उस लोगों की बात नहीं करता, लेकिन 99% लोग जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मानपूर्वक जीने की जो आकांक्षा रखता है, तो रक्षाबंधन जिस दिन बांधता उसी दिन बहन की का इज्जत की रक्षा का वो ये क्या कहिएगा वो शपथ लेता है कि बहन पर कोई भी आफत है, परिवार पर कोई भी आफत है, तो यदि नेचुरल रिलेशन यदि होगा बहन और भाई के बीच में तो जरूर वो जो है प्यार मोहब्बत इसको लोग कहते तो हैं। तो वो कहता है कि तू इनकलाब के आने का इंतजार न कर, अगर हो सके तो अभी से इनकलाब कर, तो यदि वहाँ पर वो इंतजार नहीं करेगा वो उस टाइम में इनकलाब कर देगा, जो इस केस में भी इनकलाब हो गया है इनकलाब। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सर तो कानून नहीं कहता है कि ऑन द स्पॉट किसी को मारना, मौका देना चाहिए, कानून आपका ही कानून कहता है। देखिए इस कानून से आप पढ़ लिख के यहां तक आए, मारना नहीं चाहिए, बोलता है कि सेल्फ प्राइवेट डिफेंस में कहता है कि मिनिमम फोर्स शुड बी यूज, कि कम से कम फोर्स यूज करके आप यदि आफत को टाल सकते हैं तो टालिए। मान लीजिए किसी को गोली ही मारना तो सीना में मत मारिए, डकैते आ रहा है तो उसको पहले पाँव में मारिए और घायल हो गया आप मार नहीं सकता तो पुलिस के हवाले के मिनिमम फोर्स जी सर, और इस चीज़ का इस केस में पालन किया गया जी, उसको कुदाली से नहीं काटा गया, उसको गोली नहीं मारा गया, उसको मर गया कैसे गया, चोट लगी, हदस गया, डर गया, आत्महत्या कर लिया, बहुत सारा कारण हो सकता है मौत का, मौत का तो यही नहीं कारण हो सकता कि कोई ऐसे भी मर जाए, मैं बहुत बहुत एंगल से इसको अनुसंधान कर रही है पुलिस। क्या लगता है कि छोटू के जितने भी हत्यारे अभी कह ले हत्यारे को सजा मिलेगी या बाइज्जत बरी कर दी जाएगी? मेरा तो सबसे पहले इस पर बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन है कि हत्यारा नहीं कहिए आप, हत्या के श्रेणी में आएगा तब हत्यारा कहिए, ये मानव वध भी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सारी हत्यारे मर्डर नहीं हो सकता है, मैंने सब देखा है, बहुत लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, चूंकि इस केस के माध्यम से गाँव के एक साधारण सब साधारण लोग भी सुन रहे हैं, तो वो लोग हमेशा कोर्ट कचहरी को एक संदेह के दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर कहीं झूठ, ये झूठ नहीं बोला है, तर्क दिया जाता है। मैं बता दूँ जो आप देख रहे हैं ना मौत, तो एक होता है मानव वध पहला कैटेगरी, दूसरा होता है सदोष मानव वध, तीसरा होता है हत्या, और चौथा होता है हत्या हो के भी हत्या के श्रेणी में नहीं, उसको जरा जान लीजिए। मानव के द्वारा मानव को मारा जाएगा वो मानव वध का लगेगा, लेकिन उसके लिए कोई सजा नहीं है। जैसे उदाहरण के यदि एक जल्लाद है उसको कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बोला कि तुम इसको फांसी दो, तो भाई मानव के द्वारा, मानव के द्वारा तो मानव, अगर मैं आपको मार, मैं ना मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए अभी अफजल गुरु को फांसी हुई तो जल्लाद ने उसको फांसी लटकाया, तो मानव के द्वारा मानव को बद मानव तो किया गया, तो क्या वो मर्डर है? तो आंसर इज नो। आप समझ रहे, मानव के द्वारा तो मानव को मारा गया, तो वो मानव वध के द्वारा मानव वध जो है वो नहीं होगा, नंबर वन। फिर हो गया कि तब सदोष मानव वध, कि ऐसा आप मानव को वध किया हो जिसमें दोषपूर्ण तरीके से जो मना करता है, जैसे कोई स्पीड से गाड़ी चला रहा हो, नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा हो, उसको मारने का इरादा नहीं था लेकिन मालूम था कि भीड़ भाड़ के एरिया में तुम इतना 100 के स्पीड से गए, कोई टकरा गया मर गया, तो वो सदोष मानव वध हो गया, वो भी हत्या की श्रेणी में नहीं आया क्योंकि मेरा जान मारने का इरादा नहीं था लेकिन मेरा कंडक्ट नेग्लिजेंट था, तो वो
जो है सो आप समझ गए कि सदोष मानव वध में हो गया। अब सदोष मानव के बाद एक कैटेगरी है हत्या का, जिसको मर्डर आप कहते हैं। तो हत्या का जो है सो जानबूझकर सोच समझकर एकदम पूरा क्लियर कट उसका इरादा ही था मारने का, गोली आया माथा में मार दिया तो वो हो गया मर्डर। परंतु एक और समझिए, और हत्या हो के भी हत्या की श्रेणी की मारा जानबूझकर, और जानबूझकर मारने के बाद आप उसको यदि हम सेल्फ डिफेंस में मारे या अपने आप को बचाने के लिए मारे तो हत्या होते हुए हत्या की श्रेणी में वो केस नहीं आएगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है कि नहीं? देखिए ये अब बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, बहुत लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की व्याख्या भी की है, तो ये केस का कमजोर को करेगा। भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट डायरी ये कोर्ट और अनुसंधानकर्ता के बीच में यदि ये लीक हो रहा है तो इसका मतलब अनुसंधान सही से नहीं हो रहा और सेक्रेसी का मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हर चीज़ का स्टेज है, यानी कि आप जो है सो आप इतना भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुड नॉट बी डिस्क्लोज जी, बिकॉज ये जो है सो अनुसंधानकर्ता के हाथ में होना चाहिए और अनुसंधानकर्ता उसको कोर्ट में जमा करेंगे। डायरी का भी पार्ट का कानूनी रूप से है, ऐसे लोग इधर उधर से ले जाते हैं अलग मामला है। तो ना तो डायरी की कोई बात होनी चाहिए केस में कि डायरी में पुलिस ने क्या पाया नहीं पाया, चार्जशीट क्या किया नहीं किया, वो जब जमा कर देंगे उसके बाद यदि उसकी बात करें हम लोग ऑथराइज तरीके से तो ज़्यादा मैच्योर होगा। आपके आपके आकर देखा जाए तो गतवाल लोग कहते हैं कि आपके द्वारा सर इस केस का लास्ट क्या चल रहा है, क्या मेरे द्वारा अभी जेल में तो हम बेल कराएंगे, हमारा तो प्रयास इसी के लिए होगा बेल कराएंगे, ट्रायल में उसको उनको एक्यूटल कराएंगे। इतना लॉ की व्याख्या है कि उसमें नाक दरर के रह जाएंगे तो वो लोग इसको चूंकि निर्दोष, देखिए मेरा ये है कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। निर्दोष हैं तो उनको मैं किस आधार पे आप कह देंगे पूरी तरह से निर्दोष हैं? अच्छा, एक बाप जो है बच्ची को जन्म दिया, उसके घर में कुकर्म हुआ और वो जेल भी चला जाए, वो इसी की बच्ची भी कह रही, वही कह रही कि हमारे माता पिता बच्ची का दी तो पुत कपूत हो सकता है, माँ बाप के बारे में कभी सुने हैं नहीं सर। देखिए तो जिस हद तक देखा जाए आरती यहाँ तक कह दे मैं विधवा बन के जी भी, आपका ही हिंदू सनातन धर्म में लिखा कानून भी कहता है कि विधवा जब तक शादी नहीं होता है, मांग में सिंदूर नहीं होता, साथ फेरे नहीं लिया जाता है, तब तक तो विधवा नहीं होती है, ये कैसे कह सकती है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये किस दिशा में समाज को लेके जा रहे हैं। अभी एक वकील साहब का मैंने सुना कि कहने की प्रेगनेंट शादी से पहले भी प्रेगनेंट होने का अधिकार है उनको, एबॉर्शन, ये कितना कुतर्क है। पूरे बढ़ावा दिया जा रहा है ना, बढ़ावा किस, सुप्रीम कोर्ट को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि एक बच्ची माने किसी के साथ मान लीजिए रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो एबॉर्शन कराने गई तो एबॉर्शन कराना जो है सो कानूनी रूप से वैध नहीं है, तो उसमें जो जब गया वो हॉस्पिटल में तो उसको नहीं डॉक्टर मना किया, तो इसी पर एक इशू उठा कि क्या कुंवारी लड़की को एबॉर्शन, तो उस संदर्भ में बोले कि चूंकि कुंवारी थी रेप था, बच्चा को रखना इसके लिए मुश्किल था, तो ऐसे कुंवारी लड़की को जो है सो एबॉर्शन का राइट मिलना चाहिए। अच्छा, या कोई माइनर है वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको एबॉर्शन का राइट होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये वकील साहब अपने तरफ से प्रेमियों के तरफ से बोलने लगे तो वो भी प्रेमी के धुन में बन गए। तो भाई प्रेमी तो अनेकों लोग बने, जूली और बटुकनाथ का भी प्रेम कहानी बहुत लोगों ने सुना है, तो भाई अपना अपना ओपिनियन है, इस पर ज़्यादा हम क्या कह सकते। चलिए सर, आपने समय दिया, लेकिन मैं जाते जाते कहूँगा कि एक ऐसे विशेषज्ञ हैं कि अगर ऐसे कृतियाँ हमारे समाज में हो रही तो उसको बांधने का कार्य करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे कृतियों से बचना है तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनका संपर्क सूत्र हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में चल भी रहा होगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में फिर आरती के कुछ अलग अपडेट के साथ मैं उपलब्ध रहूँगा। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।